गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेक्सागोनल बोल्ट, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, मतलब जिसका मत्था कैसा हो, ऐसा बोल्ट जिसका मत्था हेक्सागोनल आकृति का हो, ठीक है ना। हेक्सागोनल हेडेड, अभी आपने क्या पढ़ा था, नट। नट और बोल्ट ऐसी युक्ति है, बंधक की युक्ति है जो किसी भी सामान को कसती है। बोल्ट इस डिजाइन पे होता है, आपने खिड़की दरवाजों में सब जगह देखा होगा, ठीक है। यहाँ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने बना के दिखाया गया है। देख सकते हैं इसकी जो मोटाई है 0.8, मतलब लेंथ कितनी 0.8 की, लंबाई एल जो लगभग छोटे डायग्राम पे स्वयं है 1.585 ये इसका क्या है, चौड़ाई है। चलिए समझते हैं, यहाँ पे हमने डी 20 mm लिया होगा, कितना लिया होगा डी 20 mm। थिकनेस ऑफ बोल्ट है डी इक्वल टू डी बराबर 20 mm, कितना है थिकनेस ऑफ बोल्ट डी इक्वल टू टी बराबर 20 mm। डायगोनल डिस्टेंस ऑफ बोल्ट 2D इज इक्वल टू 40 mm। डायगोनल डिस्टेंस क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2D 40 mm, डी आपका 20 है, 20 मल्टीप्लाई टू करेंगे तो 40 mm। लेंथ है, लेंथ ऑफ बोल्ट है 0.8 D, जैसा कि हमने बताया था 0.8 D, हमारा कितना 20 mm है, तो 20 इक्वल टू 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60 mm। लेंथ ऑफ थ्रेड, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये थ्रेडेड वाले पोर्शन है जिस पर आपका नट टाइट होगा, ठीक है ना, नट थ्रेड पे टाइट होता है, तो 2D ये है, 2D वाला पोर्शन 40 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ बोल्ट 100 mm, कैम्फर 30 डिग्री, 1.5 D + 3 30 + 3 15 × 30 + 3 33 mm। इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ बना के हमने बताया हुआ है। सबसे पहले हमको ये 100 mm की लेना है, 100 + 16 mm, देख सकते हैं आप बना लेना है, ये रेखा पूरी यहाँ से यहाँ तक 100 + 16 mm लेना है। इसके बाद ये ऊंचाई लेना है, कितनी लेनी है 40 mm, इसके अनुसार हमने इसको बना के कैलकुलेट किया हुआ है कितना लेना है 40 mm, ठीक है। ये जो हमारी जो मोटाई है कितनी है, थिकनेस, थिकनेस हमने कितनी ली है 20 mm, ये थिकनेस। इसके बाद आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हेक्सागोनल नट कैसे बनाया गया था, सेम उसी तरह से उसकी रेडियस का हमको यहाँ पे आर्क काटना है, यहाँ पे लंब सम विभाजक विधि द्वारा आर्क काट के फिर यहाँ से एंटर लाइन से हमको इधर आर्क काटना है, तो ये हमारी भुजाएं हमको मिलेगी। ये जो गैपिंग है ये 10 mm की है और ये 20 mm की है, ये D/2 है, ये D है और ये भी क्या है D/2, मतलब D का आधा, D कितना है 4 20, उसका आधा कितना 10 है। ये डिस्टेंस 40 mm है, 2D इक्वल टू 40 mm, ये थ्रेड की डिस्टेंस है। यहाँ जो गैपिंग करनी है 2 mm की करनी है, कब कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन बनेगा थ्रेडेड पोर्शन बनेगा 20 mm 40 mm का। इस तरह से आप इस हेक्सागोनल बोल्ट की रचना कर सकते हैं, परंतु कि इसकी साइड पे देखिए कैसे इसका मत्था आ रहा है, मत्था जैसे आपने नट में बनाया था सेम। सबसे पहले हमको सेंटर लाइन बनानी है, सेंटर लाइन बनाने के बाद हम 16.5 mm की रेडियस लेंगे और एक गोला बना देंगे जैसा कि यहाँ बना हुआ है। फिर इसके बाद अंदर की जो आप इधर पोर्शन वाले गोले देख रहे हैं वो देख रहे हैं कितने एमएम का, 10 mm की रेडियस का और 8 mm की रेडियस का दो गोले बनाने हैं, ठीक है, जो आपके थ्रेडर पोर्शन को थ्रेड मतलब चूड़ीदार पोर्शन को दर्शाएंगे, ठीक है, और इस तरह से गोला बनेगा। ये जो आपको डिस्टेंस लेनी है 20 mm लेनी है और इसको फिर स्पर्श करते हुए टेंजेंट लाइन जोड़ना है, तो ये आपका हेक्सागोनल का आपका डायग्राम फ्रंट व्यू साइड व्यू बन जाएगा। यही आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आपको पूछना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। जैसे आपने हेक्सागोनल नट को बनाया था
सेम उसी तरह से आपको इसके मथे को, इसको हेड को हम मथा बोलते हैं, मथे को बना सकते हैं। और पीछे का भाग बहुत इजी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेम पोर्शन है, बहुत इजी। इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका धन्यवाद।